जयपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, 11 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जिसमें हेमंत गेरा बने हैं डीओपी सचिव। साथ ही रोली सिंह प्रमुख आवासीय आयुक्त बनाई गई हैं नई से। और नई दिल्ली की अगर बात करें, सुरेश कुमार ओला डूंगरपुर के नए कलेक्टर, अर्पणा अरोड़ा प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा विकास, सीताराम जी भाले और पर्यटन विभाग आयुक्त मंजू राजपाल। ग्रामीण विकास विभाग की अगर बात करें, सचिव जिन्हें बनाया गया है वो है सिद्धार्थ महाजन। जिस तरह से तबादले किए गए वो आपको बता रहे हैं विभाग दर विभाग। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग सचिव बनाए गए हैं पी रमेश और संभागीय आयुक्त उदयपुर रोहित गुप्ता, भू प्रबंध आयुक्त विश्व मोहन शर्मा और साथ ही स्वच्छ भारत मिशन निदेशक कानारा, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी। इसके साथ ही आईएएस दिनेश कुमार, सिद्धार्थ महाजन, पी रमेश, ओम प्रकाश कसेरा को अतिरिक्त चार्ज कार्मिक विभाग ने देर रात ही जारी किया, पे लिस्ट जारी की गई। और आइए सीधे रुख करें भरत राज की और हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है भरत राज। रातों रात 11 ये तबादले क्या कह रहे हैं? देखिए, रात देर रात 11 आईएएस और 5 आईपीएस के तबादले सरकार की ओर से किए गए हैं और उसमें दो ऐसे अधिकारी हैं जिनको हाल ही में डूंगरपुर में उपद्रव हुआ था, उनके भूमिका वहां पर ठीक नहीं मानी गई। इसके बाद वहां के डूंगरपुर के जिला कलेक्टर और एसपी को यहां से बदला गया है और उसके साथ ही एसपी को सीआईडीसी भी जयपुर में उन्हें एसपी लगाया गया है। इसके साथ ही 11 अन्य आईएएस अधिकारी हैं जिनका यहाँ पर तबादला किया गया है, उनमें जो डीओपी प्रमुख सचिव रोली सिंह उसको प्रमुख आवासीय आयुक्त नई दिल्ली लगाया गया है। इसके साथ ही हेमंत गेरा को सचिव की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। इसके साथ ही जो जोधपुर नगर निगम दक्षिण थे सुरेश कुमार ओला, उन्हें डूंगरपुर का नए कलेक्टर के रूप में नई जिम्मेदारी दी है, वहां पर हालातों की वो समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही अन्य 11 आईएएस भी बदले गए हैं, जिसमें स्कूल शिक्षा अपर्णा अरोड़ा को दी गई है, मंजू राजपाल को वहां से ग्रामीण विकास विभाग में लगाया गया है। 5 आईपीएस बदले गए हैं, बीएल सोनी अब महानिदेशक एसीबी में होंगे। इसके साथ ही राजीव कुमार दासुद को जेल लगाया गया है, तो बड़ा प्रशासनिक फिर बदला है। इसके साथ ही अन्य विभागों में भी अधिकारी बदले जाएंगे जो पिछले कई दिनों से जमे हुए थे, क्योंकि अब नगर निगम के भी चुनाव होने हैं। तो कल राज्य निर्वाचन आयोग ने भी निर्देश दिया, उसके बाद अभी भी और अधिकारी की लिस्ट आनी बाकी है। चलिए, अभी एक लिस्ट और बाकी है, फिलहाल 11 ये तबादले हुए हैं और कैसे ये सिलसिलेवार तबादले हुए हैं ये जानकारी अभी हम अपने दर्शकों को दे रहे थे और आपके जरिए हमने इस पर पूरी खबर पर अपडेट लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।